हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैकपॉट ने एग्ज़ाम डेट क्लास 11 के लिए जारी कर दिया है और आपके पास अभी बहुत ही कम समय है। सो गाइज, इतना कम समय में आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप सबको पता है कि कई पिछला वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए वो हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट नंबर 5। ये है आपका मॉडल सेट नंबर 5। इसके बाद और कोई भी मॉडल सेट नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। सो गाइज, इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे और वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे जो आपके पेपर 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं सर, इसी तरह से जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए, इसी तरह से इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है आपका ए टू जेड सब्जेक्ट में हम 5-5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूले। और वीडियो को जब भी देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बीच बीच में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाने वाला हूं। हम लोगों ने डिस्कस किए क्लास 11 से लेकर यानी मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 4 तक हर एक क्वेश्चन डिस्ट्रेंट आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना देर के डिस्ट्रेंट पहला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि कर्मकारों ने के लिए निर्वाह मजदूर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। याद रखेंगे उस अनुच्छेद का आपको नाम बताना है जहां पे आपका निर्वाह मजदूर के बारे में उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 753 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डिस्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा वचन 26 नवंबर 1969 तक चला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वचन जो है 26 नवंबर, याद रखेंगे क्वेश्चन इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा तृतीय। क्या होगी? तृतीय इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भारतीय संविधान में कितने रुपये, कितना लाख की खर्च हुई थी। याद रखेंगे कितने लाख की, 64 लाख इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में कितने सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत जो थे उसमें आपको बताना है कि कितने सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन डिस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, 2492, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी। जब विभाजन हो गया था, इंडिया पाकिस्तान जब विभाजित हो गई थी उस समय संविधान में कितने सदस्य संख्या बच गई थी। याद रखेंगे 296, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डिस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। भारतीय संविधान का जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस, इसी तरह से बिल्कुल आप लोग बने रहे, मैं आप लोगों तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन पे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय कैसे गणराज्य था, जो भारत है वह कैसे गणराज्य है। याद रखेंगे सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था। 1976 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम लगे हुए हैं, तीनों रात मेहनत करें ताकि आप लोगों तक मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए, 2023 के एग्जाम में अभी जस्ट एग्जाम होने वाले हैं इसको देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने ये सब क्वेश्चन सेट किए हैं। तो बिल्कुल इसमें आप लोग लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिसंबर 2005 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके थे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 104, यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। जो 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन है वह कब लागू हुए थे, 1993 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला। याद रखेंगे मजबूत आधार मिलने वाले उस संशोधन का नाम बताना है, तो 73वें और 47वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य समूह है, यानी भारत में कितने राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या आपको बताना है। याद रखेंगे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला प्रश्न में चलते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल विवाद को हम जानते हैं, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो जल विवाद हुई थी इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो याद रखेंगे ये विवाद कावेरी नदी जल विवाद है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय है, जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय के बारे में उल्लेख किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 52। सो गाइज अगर 52 आंसर है तो आपको 52 लगाना है, अगर आपके पास अगर 47 रहे तो आपको 47 आंसर लगाना है, तो जो भी इन दोनों में से आंसर आपको दिखे उसी में आपको क्लिक करना है, अगर उन दोनों में से दोनों अगर आंसर मिले तो आपको 47 क्लिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्र सूची में कितने विषय है, जो केंद्र सूची है यानी सेंट्रल यूनियन आपको बताना है, कॉन्करेंट इसमें कितना सूची का विषय के बारे में उल्लेख किया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 100, क्या होगी 100 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ताराकुंड समिति कब बनी, जो ताराकुंड है इस समिति कब बनी थी, तो 1975 इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 यानी 1951 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ राज्य से अलग है क्यों, आपको बताना जो संघ जो है वो राज्य से अलग है, इसका रीजन बताना है, क्या होगी, संघ के पास संप्रभुता नहीं होती है, याद रखेंगे संघ के पास संप्रभुता नहीं होती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है, जो नागरिकता अधिनियम है आपको बताना है, सिटीजनशिप जो एक्ट है वो 1955 का संबंध किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम से पहले आप लोग चाहते हैं सर जो भी 5 सेट आपके टीचर ने जो तैयार किए इन सब का एक क्विक रिवीजन होना चाहिए लाइव क्लासेस में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल क्वेश्चन कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक दिन में आपको 3 पेपर का एग्जाम देना है, तो एग्जाम से एक दिन पहले ठीक डेस्ट में आप लोगों को क्विक रिविजन करवाऊंगा रातों रात, ताकि आपको क्विक रिविजन के साथ डेस्ट आप सबको पता चले कि आपकी जो याद है वो कितना आपका इम्प्रूव हो पाई है, यानी शोषित वर्ग का प्रमुख आंदोलन क्या है, शोषित जो वर्ग है इसका प्रमुख आंदोलन क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, दलित आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, जो भारत है आपको बताना है ये कब आज़ाद हुए थे, सभी को पता है 15 अगस्त 1947। इसी तरह से आपके पेपर में डिस्ट्रेन हु बहू इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ डिस्ट्रेन कि अगर आप मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक अगर कर लिए हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं, पर शर्त है कि जब भी वीडियो को देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि डिस्ट्रेन में बीच बीच में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाते रहता हूँ, ताकि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन रोटेट करें इससे बाहर ना आए। नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, जो नागरिकता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इनमें इन्हें कौन राजनीतिक अधिकार है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है एक राजनीतिक अधिकार है, तो याद रखेंगे मतदान का अधिकार ये भी है, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार ये भी है, चुनाव लड़ने का एवं कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह से प्रेजेंटेशन आप लोग बने रहें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो 2023 के एग्जाम में डायरेक्टली आपके पूछे जाने वाले हैं। दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति को क्या खोना पड़ सकता है, तो याद रखेंगे ये किसे खोना पड़ेगा, तो याद रखेंगे नागरिकता, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, राज्य विहीन व्यक्ति क्या कहलाती है, जो व्यक्ति है राज्य विहीन व्यक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे शरणार्थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एकल नागरिकता का उदाहरण है। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव में इसी तरह से हमें क्वेश्चन करवाइए आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा, जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को ग्रामेटिकल सेक्शन में भी वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। एकल नागरिकता का उदाहरण आपको बता रहे हैं, एकल नागरिकता का उदाहरण क्या है, तो याद रखेंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, भारत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची, सबसे पहले क्वेश्चन में बताऊं डिस्ट्रेंट कि अगर आपसे पूछा समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, पर आपसे पूछा गया कि अच्छा यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपसे पूछा जाए कि थोड़ा सा बताइए हमें अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था आयरलैंड से, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीनों क्वेश्चन को याद करके रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ताकि आप इजीली से इसका आंसर दे सकते हैं। संघात्मक राज्यों का संविधान होता है, जो संघात्मक राज्य इसका संविधान क्या होते हैं, तो लिखित और
कठोर, क्या होगी लिखित और कठोर इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक आप लोगों को एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इसके रिगार्डिंग टेस्ट आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट में आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है। क्या आप लोग टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल टेस्ट कॉमेंट करना ना भूले। टेस्ट सीरीज से ट्यूशन यह आपका प्रॉफिट होगा, जो ये बेनिफिट होगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपका माइंड में सेटअप हो रहा है, यानी इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगी और साथ ही साथ आपका तैयारी और इम्प्रूव होगी। तो आप लोग चाहते हैं तो ट्यूशन आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हम लोग टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले हम लोग टेस्ट सीरीज पे एवरीडे अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप जो भी अटेम्प्ट कर जो भी क्वेश्चन आप प्रोवाइड करें इन सब क्वेश्चन 20 में से हम 10 क्वेश्चन को सही आंसर दे पा रहे हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं, ताकि ट्यूशन हमें इससे भी पता चले कि जो भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं क्या वो भी दूसरे स्टूडेंट की तरह आंसर दे पा रहा है या नहीं। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ क्योंकि उन सबको मैंने हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से 5-5 जो मॉडल सेट तैयार किए गए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा, मैं आज से उन लोगों को 1 महीना पहले उन लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ ताकि उन लोगों का क्विक रिविजन हो। अगर आप किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए, आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं ऑनली फॉर 149 रुपीज़ में। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग की नहीं करता है, इसमें आपको बताने कौन सा कार्य जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, याद रखेंगे पंचायत के चुनाव पर्यवेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत स्थान का निर्देशन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 40, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था, आपको बताना जो भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ था 26 जनवरी 1905 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समिति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आपसे पूछा था अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो 17 में, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे भाग नंबर 3 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया था, इसका समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम था आइंस्टीन, क्या होगी आइंस्टीन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक न्याय का सरोवर है, इसमें आपको बताना, इसी तरह से आपके पेपर में भी डिस्टर्न क्वेश्चन पूछे जाने वाले, आप सोचते होंगे सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं, और एग्जाम से पहले ट्यूशन में आप लोगों को इतना क्विक रिवीजन करवाऊंगा एक दिन, ताकि आपके पेपर में आपको देखते ही ट्यूशन आपको पता चले कि हाँ एक दिन पहले हमारे टीचर ने यही बताए हैं। तो क्या आप लोग तैयार है कि लाइव क्लासेस के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूले। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा जनता की राज्य सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है, सामाजिक न्याय का जो प्रमुख तत्व है वो क्या है, अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक न्याय से क्या आशय है, आपको बताना है आर्थिक न्याय जो है इससे क्या आशय है, याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी इसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक भी प्रश्न और मिलने वाले नहीं है। क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन कि हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कि 2019, 2020 और 2022 में किस तरह से जैकबोर्ड ने क्लास 11 के लिए एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, उन सब क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करवाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। स्वतंत्रता एवं समानता को कितने पूरक माना है, याद रखेंगे कितना पूरक माना है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।